सो इस वेब सीरीज़ का नाम है क्रिस क्रॉस डील्स एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थ्रिलर मिस्ट्री. आज टुडे इज़ अ फर्स्ट डे सो अभी तो सब सेटल हो रहा है एंड फर्स्ट सीन वॉज रियली गुड. अभी तक सब बहुत अच्छा आया है एंड आई एम वेरी श्योर अच्छा ही होगा. एंड टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर, she is a bold character in terms of performance and you know the mystery, the mastermind, that kind of a character I am playing and it is quite you know confident, has to be a character very confident. So maza aa raha hai kaam karne mein and I'm very sure ki puri series audience ko bahut pasand aayegi. So what would you say about the director and producer of the series? I mean what kind of support you are getting from them? Yeah, with the production house Next Cinemas, I'm working for the first time with them and they are very cooperative in terms of everything, all comfort and you know the kind of arrangements are there, it's very good and I'm feeling very comfortable and I'm looking forward for a long collaboration. Talking about other mediums, you have worked in other mediums, also films or televisions. What different did you find in working in a web series and how do you think it can be satisfactory to a artist's career as such when working in a web series? So I have worked in television, I have worked in films and I'm working for web series. एक्टिंग तो सेम ही होती है, एक्टिंग तो आप कहीं भी कर रहे हैं सेम, इज जस्ट दैट द स्पेस. टेलीविजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता था कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लाइक प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता था या एकदम ऑन द स्पॉट होता है कई बार तो स्क्रिप्ट आते हैं बिकॉज ऑफ द यू नो टेलीकास्ट इशूज़ एंड ज़्यादा टाइम नहीं होता है. बट वैन वी टॉक अबाउट फिल्म एंड वेब सीरीज एंड वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर आवर सेल्फ एज अ कैरेक्टर एंड यू नो टीम इज सिटिंग टुगेदर एंड रीडिंग एंड स्टफ, उससे बहुत ज़्यादा बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड. तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि यू नो सेट पे जाने से पहले अगर हमारी एक रीडिंग हो जाए, यानी कम्फर्ट लेवल आ जाता है, तो वो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका कैरेक्टर आप बहुत जस्टिफाई कर पाते हैं ऑन द स्क्रीन. सो दैट इज रियली डिफरेंस. एनी वन मोर थिंग, फिल्म और टेलीविजन दोनों में सेंसरशिप है, वेब सीरीज में अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप नहीं है, तो वो कितना आप समझते हैं पॉजिटिव चीज़ है? एक तरफ से तो आपको फ्रीडम मिलता है एज एन आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ से यू नो देयर आर पीपल हु डिग्रेड द मीडियम एज़ सच. या ये मैं एक्चुअली ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि मैं खुद भी आई डोंट डू बोल्ड सीन्स एंड बिकॉज ऑफ द कंटेंट आई समटाइम्स नॉट समटाइम्स एक्चुअली मोस्टली आई हैव अवॉइडेड or said no for the web series, but now you know people are making meaningful content and there is no such kind of you know nudity and all that stuff which I am very appreciating and isi tarike ke content ko meaningful content ko hame audience ko dikhana chahiye because then you feel like because I want to sit with my family and watch the web series, you know wo aisa nahi hona chahiye because you know my family can't watch with me. सो आई शुड बी प्राउड कि मैं किसी वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख पा रही हूँ. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सेंसरशिप होना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए ताकि हमारी यूथ को एक मोटिवेशन मिले इन टर्म्स ऑफ यू नो गुड कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कि वो अच्छा एक यू नो विद फैमिली एंड एवरीथिंग वो कंटेंट देखें, नॉट द बोल्ड एंड द न्यूडिटी पार्ट एंड ऑल दैट स्टफ. सो Lastly, what's going on professional front? I mean, 1.5 years, you know, lockdown period and all this. So, कितना challenging रहा है और आगे क्या करना चाह रही हैं या something besides this? So yes, 2 years, actually almost 2 years, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा difficult time रहा है all over the world. मैंने अपने आप को बहुत busy रखा मेरी fitness में और I sing, तो मैंने अपना music video किया and all that. मैंने I always believe कि something or you know किसी भी तरह से यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी. अगर खाली दिमाग रहेगा तो फिर और ज़्यादा परेशानी होती है. येस फिनेंशियली एंड एवरीथिंग एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि चीज़ें खुल रही हैं, काम सब लोग कर रहे हैं एंड यू नो सबके लिए काम मिल रहा है, शुरू हो गया है. तो दैट इज़ रियली गुड. एंड इन टर्म्स ऑफ माई फिल्म और माई वर्क, येस माई 1-2 वेब सीरीज एंड 1 फिल्म इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज वो फिल्म बनी थी थिएटर के लिए, बट नाउ एवरीबडी नोज व्हाट्स द सिचुएशन अबाउट द थिएटर. तो अब सब प्लेटफॉर्म पे ही आएगा एंड आई हैव कपल ऑफ वेरी गुड वेब सीरीज, वन इज दिस एंड देर आर कपल ऑफ अदर्स ऑल्सो. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर यू नो अपॉर्चुनिटीज एंड यस बेटर वर्क. थैंक यू.